अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले FSC सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का होने वाला है उसका गेस्ट पेपर। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें यह है कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली जो है एक्सरसाइज से होते हैं। तो ये जो गेस्ट पेपर बनाया गया है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट थे, जो मेन क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड किए गए हैं, और जो चैप्टर के अंदर से कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए। तो इसलिए आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 200 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास वैसे भी टाइम है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये आपके मेन जो क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहां पे दिए हुए हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके जो है वो 29 दिए गए हैं। तो इट मीन्स आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को करते हैं। ये जो मेन जो आपके चैप्टर हैं और उनके जो मेन टॉपिक हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या आते रहते हैं, जिनके मैक्सिमम चांसेस है कि ये पेपर में आएंगे वो इसमें मेंशन किए गए हैं। और न्यूमेरिकल भी जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो वैसे बहुत सारे हैं आपके, यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन न्यूमेरिकल है वो मेंशन किए गए हैं। गेस्ट पेपर का मकसद ये होता है कि आपको मेन जो टॉपिक है, जो मेन क्वेश्चन है वो बताया जाए, ताकि आप पहले उसको कवर कर ले, ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन आपके मिस हो गए हो। तो उसके बाद जैसे आप इन मेन क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आपने पूरी बुक की प्रिपरेशन करनी होती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज होती है, जो मसला करते हैं वो होते हैं MCQs। यहाँ पे MCQs भी आपको काफ़ी दिए गए हैं, तो आप इन MCQs को अगर कर लेते हैं तो आपके MCQs भी अटैम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं, आपका कंप्लीट एक पेपर जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर जो आप इसको पहले करें, उसके बाद जो आपके टॉपिक रह जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, उसके बाद जो है उन चीज़ों को करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मेन चीज़ नहीं होती उस पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो जो मेन चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं। गेस्ट पेपर बनाने का मकसद ये होता है, जो मेन चीज़ है सबसे पहले आप उसके ऊपर फोकस करें, उसके बाद जो है दूसरे जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फोकस करें। इसलिए क्वेश्चन मैं सारे नहीं रीड किए, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो फिर रीड करते हुए वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जो इसकी PDF फाइल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और Gmail भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को मसला होता है तो वो Gmail पे जो है वो रابطہ करके जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो ले सकता है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी एजुकेशन की अपडेट आती है या गेस्ट पेपर आता है तो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।